वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वंडर्स ऑफ साइंस क्लास टू यूनिट टू लेसन 7। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू एनिमल्स हेयर्स, के जानवर जो हैं वो किस तरह सुनते हैं। ठीक है, एनिमल जो है वो किस तरीके से जो है मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों को सुनते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। जो द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है उनके लिए जो ऑर्गन है, जो हिस्सा है जिससे वो सुन सकते हैं वो है कान। ठीक है, ईयर के जरिए जो है इंसान जो है वो सुन सकते हैं। इसी तरह ही एनिमल्स के अंदर भी जो होता है वो जो ऑर्गन पाया जाता है वो है ईयर ही है। ठीक है, लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंसानों की नस्बत, और कुछ जो है वो कम होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो सेंसिटिव मतलब कुछ जल्दी वह सुन लेते हैं और कुछ बहुत देर में सुनते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं और वो जो है किस तरीके से किस तरह वो सुनते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव ईयर बट दे हेयर थ्रू वाइब्रेशन। वो कह रहे हैं कि जैसे कि स्नेक है, इसके अंदर जो है ईयर नहीं होते, लेकिन वो किस तरीके से सुनता है, वो वाइब्रेशन से सुनता है। ठीक है, जैसे वो ज़मीन पे रींग रहा होता है, वो उसके पास कोई भी चीज़ आए तो उसको उसकी वाइब्रेशन फील हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ मेरे पास आ रही है। उसके बाद है डॉग। डॉग जो है वो किस तरह सुनता है, आपको पता है कि डॉग के जो ईयर्स हैं वो डॉग्स ईयर्स आर बिग एंड सेट हाई ऑन द हेड, जो सर के ऊपर होते हैं और जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये इसके जो है ये ईजिली सेंसिटिव होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स की नस्बत अच्छी तरह सुन सकता है। उसके बाद क्या है, बैट्स। सेकंड एनिमल्स का आया था बैट। उसने कहा है कि बैट कम आउट एट नाइट, जो चमगादड़ है वो रात को बाहर आती है। दे कांट सी वेल, दे हैव स्पेशल सेंस ऑफ हेयरिंग टू हेल्प देम फाइंड आउट वेयर ऑब्जेक्ट आर। ये जो है वो सुन नहीं सकती, ठीक है, ये देख नहीं सकती, सुन सकती है लेकिन। तो ये किस्सा क्या करती है कि इसको पता चल जाता है कि किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट किधर है। ये जब देख नहीं सकती है, इसके अंदर जो है हेयरिंग की बहुत स्पेशल ऑर्गन होता है। कैसे, ये क्या करती है कि अपनी जो आवाज़ है वो निकालती है और इकोसिस्टम, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके वापस आती है तो उसको पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास है या दूर है। इसको कहते हैं इको बैग। ठीक है, इको बैग के आवाज़ का वापस आ जाना। तो इस तरह जो है वो बैट जो है वो सुन सकती है। डॉल्फिन हेयर स्पेशल हेयर थ्रू अ स्पेशल सेंस ऑफ हेयरिंग विच इज़ लोकेटेड इन अ स्मॉल ईयर ओपनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। इसके डॉल्फिन के क्या है, हेड के दोनों साइडों पे जो है स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके जरिए ये सुन सकती है। मोस्ट बर्ड हैव अ सेंस ऑफ हेयरिंग दैट इज़ बेटर देन ह्यूमन। जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर सेंस ऑफ हेयरिंग सुनने की सकत जो है वो इंसानों से बेहतर होती है। ठीक है, क्या होता है कि बर्ड्स जो है सेंस ऑफ हेयरिंग को यूज़ करती हैं क्या करने के लिए, किसी भी अपने चीज़ का हंट दे प्रे, शिकार करने के लिए। ठीक है, शिकार करने के लिए जो है ईयर्स का इस्तेमाल करती है। कोई भी चीज़ जो है वो किधर है उसके नस्बत वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो शिकार करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चमगादड़ का किस तरह से जो है ईगो बैग की ये दोबारा उन्होंने डिस्कस किया है। इन दिस वे दे अवॉइड बम्पिंग इन द ऑब्जेक्ट नियर देम, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर बैट्स। देखिए, अगर जैसे बैट है वो अपनी साउंड निकालेगी, उसे पता चल जाएगा जो नेक्स्ट उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके करीब है या दूर है। इस तरह वो जो है किसी भी चीज़ के साथ टकराएगी नहीं। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पास है या दूर है, और वो इजीली अपने जो रास्ता है उसको चेंज कर लेगी। द एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, इट हैज़ अ लॉन्ग लार्ज ईयर्स, इट हैज़ एक्सीलेंट हेयरिंग। एलिफेंट कैन हेयर वेरी लो साउंड बट ह्यूमन्स कैन नॉट। उसने कहा कि जो एलिफेंट है उसके बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है, उसके वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुन सकता है, वो कोई हल्की आवाज़ भी होगी उसे भी वो सुन लेगा। ठीक है, और जो इंसान है वो उतना अच्छी तरह नहीं सुन सकता जितना जो है वो एलिफेंट सुन सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्नेक्स का। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सलेंट ईयर्स, जो स्नेक है उसके बहुत अच्छे जो है वो हेयरिंग सिस्टम नहीं है, कान नहीं है, बट दे हैव अ इंटरनल पार्ट ऑफ द ईयर, लेकिन जो है उसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो कान का होता है। दे पिक द साउंड फ्रॉम द ग्राउंड, दी साउंड ट्रेवल टू देयर इनर ईयर। जो कोई भी आवाज़ ज़मीन पे होती है आती है तो वो उसको क्या करता है, पिक कर लेता है, उसको रिसीव कर लेता है और उसको क्या करता है अपने इनर ईयर की तरफ भेज देता है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो सुन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। ठीक, और आपने ये करना है, इसको पढ़ना है और ये समझना है कि कौन से जो एनिमल हैं वो किस तरीके से
सुनते हैं, उनके अंदर कौन सा ऑर्गन है, वो कौन से स्पेशल ऑर्गन के जरिए जो है वो सुन सकते हैं। थैंक यू।